शराबी पति ने पत्नी की लाठी और डंडे से पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गया। सिवनी मालवा से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम नाहर कोला के पास बने टप्पर में पति शंकर दुर्वे अपनी पत्नी सुखवती दुर्वे की निर्ममता से हत्या कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शंकर दुर्वे शराब का आदी था। शराब के नशे में शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात दोनों आपस में कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद सुबह खबर मिली कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। कारण अभी अज्ञात है। आपको बताते चले, पूरा मामला शराब के नशे से जुड़ा हुआ है। सिवनी मालवा के आसपास के कई ग्रामीण अंचलों में खुलेआम अवैध शराब बेची जाती है। इस पर अंकुश नहीं होने के कारण वारदातें बढ़ रही है। बताइए जो यह हत्या हुई है इसके बारे में। इसको जो है अपने को सूचना जैसे ही मिली जी आए, और इसके पति ने जो है शंकरलाल पति है, मृतिका का नाम सुखवती है। हाँ। तो रात की घटना है, 11 बजे करीब। सर प्रथम दृष्टिया क्या पाया आपने कि कैसे हत्या की गई है? लाठी से मारपीट, उसके शरीर में काफ़ी चोटें हैं। हाँ। तो वो देखे, और अभी जो है जीरो पे कायमी करके जो है अभी उसको पीएम के लिए एसीएससी मालवा भेज रहा है। पति फरार है क्या? फरार है, और पति फरार है। अच्छा, ठीक है।